हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आज के ट्यूटोरियल में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों विश्वास करिए मेरा, अभी मैं आपको बस एक ट्रिक बताऊंगा, बस एक ट्रिक बताऊंगा, और आप दुनिया के किसी भी सेट से वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, वो बैंक की हो या रेलवे की हो या SSC की हो या फिर किसी भी कैंपस रिक्रूटमेंट टेस्ट की हो, तो आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और मैंने जिन जिन लोगों को पढ़ाया है वो आज भी बोलते हैं कि सच में ये एक जादुई ट्रिक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आखिर वो ट्रिक क्या है जिस पे जो है सो हर एक क्वेश्चन आपका जो है सो सॉल्व हो जाएगा, 98% क्वेश्चन। और दो जो डिफरेंट टाइप की क्वेश्चंस हैं वो भी जो है सो इस ट्रिक पे बहुत इजीली बन जाती है, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको एक उससे भी शॉर्टेस्ट ट्रिक जो है सो वो जो दो टाइप की क्वेश्चंस है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। दोस्तों ये आज मैं इसे बेसिक्स समझाने वाला हूँ कि आखिर होता क्या है। इससे पहले आपको मेरा जो है सो टाइम एंड डिस्टेंस वाला वीडियो आप देख लें, उसमें काफ़ी तरीके से मैंने रेस्पेक्टिव वेलोसिटी वाली Part-2 में बताई है, जिसकी वजह से आप सामने से आने वाले चीज या फिर एक साथ चल रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप काफ़ी इजीली कर पाएंगे दोस्तों। और ट्रेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी मैंने करा रखी है, तो आप उस पर भी करेंगे। लेकिन एक्चुअली जो ट्रेंस की दोस्तों जो प्रॉब्लम होती है वो इसमें उसमें तो नॉर्मली ट्रेन को एज ए ऑब्जेक्ट लेके बनाई गई है, बट इसमें ट्रेन उसमें ट्रेन का लेंथ मैटर नहीं करता था, तो इसीलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को टाइम एंड डिस्टेंस में ही रखा है, जिसमें जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स है उसकी लेंथ मैटर नहीं करती है। बट जो एक्चुअली ट्रेन जो टॉपिक है दोस्तों इसमें लेंथ मैटर्स करता है, ठीक है दोस्तों, लेंथ इसमें जो है सो रोल प्ले करेगा आपका। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों सिंपली आप याद रखिए, टाइम टेकन इज इक्वल टू कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल बाय वी प्लस माइनस एक्स। दोस्तों आपको आपके सामने मैंने जो ये ट्रिक लिख दिया तो हो सकता है कि आप इससे अवगत ना हो, आपको लग रहा होगा कि इसने क्या लिख दिया है, लेकिन दोस्तों मैं अब एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों जो कैपिटल एल है ना वो ट्रेन की लेंथ है, ट्रेन, ठीक है, मतलब ये ट्रेन की लेंथ है ना, मतलब ये एक ट्रेन आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, उस ट्रेन की ये लेंथ है, ठीक है। और एल एल है लेंथ ऑफ एनी गिवन ऑब्जेक्ट, फ्रेंड्स लेंथ ऑफ एनी गिवन ऑब्जेक्ट है ना। तो हम लोग इसको समझेंगे कि ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो मैंने लिखा ये क्या क्या हो सकता है दोस्तों। तो चलिए ये एक ट्रेन भी हो सकता है दोस्तों, ये एक प्लेटफॉर्म भी हो सकता है दोस्तों, ये कोई मैन भी हो सकता है, ये कोई पोल भी हो सकता है, जो बिजली की जो पोल होती है ना। तो इस टाइप की ये चीज़ें हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, प्लेटफॉर्म हो सकती है, मैन हो सकती है, पोल हो सकती है, या फिर ब्रिजेस भी हो सकते हैं, ब्रिज है ना, ब्रिजेस हो सकते हैं। तो इन वेरियस टाइप की ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं और उसकी लेंथ जो है दोस्तों ये दी हुई होगी, ठीक है। ये जो दोस्तों वी है, कैपिटल वी, ये दोस्तों आपका जो है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हुज लेंथ इज कैपिटल एल। दोस्तों ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जो कैपिटल एल की जो वेलोसिटी होगी उसको हम लोग भी बोलेंगे, कैपिटल एल वाले, कैपिटल एल जो जिसका लेंथ है उसकी जो वेलोसिटी है उसको हम लोग भी बोलेंगे। तो और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो हमारी एक्स होती है, जो एक्स है ये भी वेलोसिटी है,
वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट हुज लेंथ इज एक्स, दो सॉरी हुज लेंथ इज स्मॉल एल, है ना। तो दोस्तों ये जो स्मॉल लेंथ जो है, जो ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एल लेंथ है, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो एक्स होगी। दोस्तों अब पूछेंगे आप कि ये प्लस और माइनस क्या है, प्लस कब यूज करेंगे, माइनस कब यूज करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इसके बेहतर जानकारी चाहिए तो आप हमारे टाइम एंड डिस्टेंस का Part-2 देखें, उसमें काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया गया है कि प्लस कब होता है और माइनस कब। मैं यहाँ पर सीधे लिख देता हूँ कि व्हेन दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, और ये होता है दोस्तों व्हेन दे मूव इन सेम डायरेक्शन, है ना फ्रेंड्स। तो जब ये सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस यूज करेंगे, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो हम लोग प्लस यूज करेंगे। तो दोस्तों ये रहा इस फार्मूला के बारे में टोटल डिस्क्रिप्शन, आप इसे एक बार अच्छे से देख लें। और हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करने वाले हैं, मैं कुछ टाइप्स आपको अभी बताने वाला हूँ जिस टाइप्स पे बेस्ड ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हमारा टाइप्स क्या क्या है, को किस किस टाइप से पूछा। चलिए दोस्तों Type-1 देखते हैं हम लोग। Type-1 में क्या है कि जैसे एक आपको ट्रेन एल दे दी, ट्रेन की लेंथ दी दे रखी है उन्होंने, और कैपिटल भी उन्होंने दे रखी है। लेट से आपको एल और वी पता है, ठीक है। एल और वी तो आपको दोस्तों पता है या फिर निकालने के लिए दे सकती है। ये एक ट्रेन जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों, दो ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं, एक ट्रेन और एक अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है मैंने यहाँ पहले ही लिख दी है, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में एक ट्रेन जो है सो पहले वाले में फिक्स की हुई है कि ट्रेन ही होगी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम लोग अभी ट्रेन की पढ़ रहे हैं। तो एल और बी तो इसके लिए होना ही होना है, इसमें नो डाउट है, ठीक है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट के लिए जो है सो क्या कर, लेट से अगर Type-1 में मैं आपको बताऊं कि लेट से ये ऑब्जेक्ट एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों, और इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या रख लिया, प्लेटफॉर्म। तो आप इजीली कह सकते हैं कि ऐसा तो होता नहीं है कि ना दोस्तों कि प्लेटफॉर्म भी चलता है, अगर प्लेटफॉर्म चलता तो रेलगाड़ी की क्या आवश्यकता होती, लोग प्लेटफॉर्म पे ही बैठ के इधर उधर चले जाते, है ना। तो आपको पता है कि प्लेटफॉर्म के लिए सिर्फ लेंथ होगी, उसके लिए वेलोसिटी तो हो नहीं सकती है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। तो दोस्तों तो अगर कभी क्वेश्चन कहे तो टाइम टेकन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, आपको मैंने बताया फार्मूला, आपको याद रखना है प्लस माइनस एक्स होती है। तो दोस्तों इस केस के लिए अगर मैं फार्मूला लिखूं तो क्या हो जाएगा, आप देखिए एल तो होना ही होना है क्योंकि ट्रेन है, ये लेंथ होगी ही होगी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में जो बात की गई है ट्रेन के साथ वो प्लेटफॉर्म की गई है, तो प्लेटफॉर्म की तो लेंथ होती है, काफ़ी लंबी लंबी प्लेटफॉर्म्स होती हैं। लेकिन अच्छा अगर मैं इस नीचे वाले में बात करूँ तो भी तो होनी ही होनी है, और क्या एक संभव है, प्लेटफॉर्म तो चलती नहीं है, तो यहाँ पे जीरो कर दो, प्लस जीरो करो माइनस जीरो करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो टी बराबर हो जाएगी दोस्तों एल प्लस एल बाई भी। आप देख सकते हैं कि कितनी इजीली तरह से ये चीज़ पता चल जाएगी, हो सकता है कि टी दे दिया होगा, एल दे दिया होगा, एक वी दे दिया होगा, यहाँ ट्रेन की लेंथ पूछ रही होगी, या फिर ट्रेन की लेंथ, प्लेटफॉर्म की लेंथ और ट्रेन की वेलोसिटी दे दी होगी, टाइम पूछ रहा होगा, हो सकता है कि इन्होंने टाइम वेलोसिटी और ये एल दे दिया हो तो ट्रेन की लेंथ पूछ रहा हो। तो दोस्तों इतना चीज़ आपसे इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हर एक केस का जो लास्ट वाला मैंने डिस्क्राइब कर रहा है उसको आप याद करो, आपको बस ये ध्यान रखना है कि किसके लिए कौन सा चीज़ जीरो हो सकता है, बस आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों तो अगर हम लोग नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करें तो अगर कभी क्वेश्चन में बोले दोस्तों कि चलिए एक ब्रिज को इसे पार करना है,
तो ब्रिज के लिए भी दोस्तों सेम चीज़ हो जाएगी, लेंथ तो इसकी होगी ही होगी, और लेकिन इसकी वेलोसिटी नहीं हो सकती है, वेलोसिटी नहीं हो सकती है, तो ये तो अनदर ऑब्जेक्ट है ट्रेन के अलावा, तो इसको हम लोग एक्स लिखेंगे, मतलब एक्स ये नहीं, एक्स मतलब नहीं हो सकती, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, जीरो हो जाएगी। तो एज इट इज ये वाला चीज़ आप यहाँ पे यूज इसको कर पाएंगे, ठीक है। चलिए और हम लोग अब दूसरे टाइप की चीज़ देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे आप दूसरी टाइप की चीज़ देखते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन में लेट से आपको पोल दिया रहे, सॉरी, क्वेश्चन में आपको जैसे पोल के बारे में पूछा रहे, तो देखिए दोस्तों एल तो आपको पता होगी, वी तो पता ही होगी, ये तो कंपलसरी है, एकदम होना ही होना है, ठीक है। लेकिन अगर पोल के बारे में बात की जाए तो दोस्तों पोल जो है सो तो एकदम पतला सा होता है, उसका कौन सा लेंथ हुआ, जो उसका लेंथ दोस्तों वर्टिकली होता है, तो लेकिन ट्रेन को तो उसे हॉरिजेंटली क्रॉस करना है, तो हॉरिजेंटली लेंथ की बात करें तो हॉरिजेंटली तो होगी नहीं, और तो ऐसा तो नहीं कि पोल चलता है तो पोल भी नहीं चलता है, तो मतलब एक्स भी नहीं होगी इसकी, तो ये दोनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अगर कभी क्वेश्चन में कहे टाइम टेकन टू क्रॉस अ पुल, तो टी बराबर आपको मैंने बताया था कि एल प्लस एल बाई बी प्लस माइनस एक्स होता है, तो फ्रेंड्स टी बराबर क्या हो जाएगी आपको बताइए, एल तो होगी ही, ये वाली एल तो होनी नहीं है, भी होगी ही और ये भी होनी नहीं है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एल बाई भी। तो देखिए ये स्टेप बाय स्टेप कैसे यहाँ पर आ गए हम लोग, तो ये दोस्तों आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका कॉन्सेप्ट इस तरह से मैं बिल्डअप कर दूंगा कि आपको क्वेश्चन में देखते पूल है तो दोस्तों आपने खुद समझना है कि एल भी नहीं है और एक्स भी नहीं है। अगर मैं टाइप थ्री के लिए बात करूँ दोस्तों, टाइप थ्री के लिए बात करूं तो देखो दोस्तों ट्रेन के लिए लेंथ तो होनी है, एक ऑब्जेक्ट तो आपका फिक्स है एल और वी, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में इस बार अगर मैन आ जाए दोस्तों, क्या आ जाए, मैन आ जाए, तो मैन की किसी भी हाल में हॉरिजेंटली लेंथ होती है, सॉरी वर्टिकली लेंथ होती है, हॉरिजेंटली तो लेंथ होती नहीं है, तो एल इज इक्वल टू आपको जीरो लेना है। हाँ और इसका दोस्तों एक्स क्योंकि मैन है तो मैन तो चल भी सकता है और मैन नहीं भी चल सकता है, अगर नहीं चल रहा है तो स्टैटिक मैन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, और अगर वेलोसिटी दिया हुआ है तो एक्स की जो वैल्यू दी होगी आप उसको पुट करेंगे, और यहाँ पर तब आपका दो केस होगा, यदि ये ट्रेन के सेम डायरेक्शन में चल रहा है और ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो एल बाई, तो यहाँ पर जो प्लस एल की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, बाई भी सेम डायरेक्शन में चल रहा है दोस्तों तो माइनस कर देंगे, तो टाइम टेकन बाई, तो फॉर्मूला कैसे तुरंत से आ गया कि टाइम टेकन बाई अ ट्रेन ए मैन विच इज वॉकिंग विद द वेलोसिटी ऑफ एक्स किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन इन विच ट्रेन इज रनिंग, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एल बाई बी माइनस एक्स। एट द सेम टाइम इफ इन द क्वेश्चन इट इज सेज दैट द टाइम टेकन बाई अ ट्रेन टू क्रॉस अ मैन विच इज़ रनिंग विद द वेलोसिटी ऑफ एक्स किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, तो आपको आपकी दोस्तों क्या हो जाएगी, एल बाई वी प्लस एक्स। तो फ्रेंड्स आपके लिए देखिए कितना ईजी हो गया है, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बस ये फॉर्मूला में जो भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको लेके आप आगे प्रोसीड करें और तुरंत से आपका दोस्तों आंसर आपके सामने में हंसता खेलता सा मौजूद हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैंने को एक एक स्पेशल टाइप की एक क्वेश्चन देखी थी जिसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कराने के लिए एक क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों, क्वेश्चन ये था कि दो ट्रेन जो है, दो ट्रेन लेट से ये ट्रेन वन है और ये ट्रेन फ्रेंड्स ट्रेन टू है, ठीक है, बोल रहा है कि इसमें एक आदमी बैठा है, ठीक है, इस ट्रेन टू में एक आदमी बैठा है, ठीक है, चलिए इस ट्रेन टू में एक आदमी बैठा है, तो कह रहा था क्या कि इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो एल वन है, इसकी लेंथ एल टू है,
है ना, इसकी लेंथ सॉरी L1 है, इसकी लेंथ L2 है, इसकी वेलोसिटी V1 है, इसकी वेलोसिटी V2 है। तो उस क्वेश्चन में क्या कहा था फ्रेंड्स कि इस ट्रेन को, इस आदमी को क्रॉस करने में क्या समय लगेगा। दोस्तों इसने ऑब्जेक्ट तो ट्रेन आपको दिख रही है, लेकिन ट्रेन तो दोस्तों इसमें आपको दिख रही है, लेकिन फ्रेंड्स एक बात बताइए, क्वेश्चन तो कहाँ है आदमी के बारे में। तो देखिए इस एल और इस वी के लिए तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी है, लेकिन दोस्तों इसकी भी लेंथ आपको दी हुई थी ट्रेन की, और मैक्सिमम लोगों ने इस ट्रेन की लेंथ लेके L1 प्लस L2 बाई, चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो V1 प्लस V2 लेके उन्होंने सॉल्व किया, और सभी की क्वेश्चन की आंसर गलत हो गई थी। लेकिन फ्रेंड्स आपको मैंने बता रखा है कि ये जब आदमी की बात करेगा तो एल तो इसका 0 हो जाएगा, लेकिन चूँकि ये ट्रेन पर बैठा है तो इसका वेलोसिटी वही होगा जो ट्रेन का वेलोसिटी होगा। तो इसलिए टाइम टेकन बाई अ ट्रेन T1 टू क्रॉस अ पर्सन विच इज सिटिंग इन ट्रेन T2 विल बी L1 प्लस 0 बाई V1 प्लस V2। मीन्स फ्रेंड्स L1 बाई V1 प्लस V1 प्लस V2। आप दोस्तों हमारी बातों को समझ रहे होंगे। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसमें कोई परेशानी हो तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में वो प्रॉब्लम को लिखें, मैं कोशिश करूंगा आपको वीडियो के द्वारा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, आपको पर्सनल मेल पे समझाने की, क्योंकि चलिए तो हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अगर दोस्तों चलिए मैं वैसे कॉन्सेप्ट को अब करने जा रहा हूँ जो अधिकतर जो है जिस पे पूछती है, जैसे लेट से हमारी ये टाइप 4 है फ्रेंड्स। जैसे चलिए जैसे एक ट्रेन T1 है और एक ट्रेन T2 है, ठीक है, सेम ले लेते हैं, एक ट्रेन T1 है दोस्तों, एक ट्रेन T2 है ना। चलिए ये दोनों मान लेते हैं कि ये ट्रेन T2 में मुझे यहाँ बनाना था क्योंकि दो केस बनानी थी मुझे। तो चलिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है। तो दोस्तों टाइम टेकन टू क्रॉस फ्रेंड्स ईच अदर, यहाँ पे क्या बोले, टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, तो दोनों तो ऑब्जेक्ट ट्रेन ही है, तो L1 प्लस L2 हो जाएगी। आपको पता है यहाँ पे L प्लस स्मॉल L बाई V प्लस माइनस X लेते हैं, तो ये L जो है सो आपकी L2 है, L2 V और अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस कर लेंगे। और लेट से फ्रेंड्स इसकी वेलोसिटी V1 मान लूँ, इसको वेलोसिटी V2, तो V1 प्लस V2 हो जाएगी। तो टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर टू ट्रेंस इफ द लेंथ एंड वेलोसिटीज आर रेस्पेक्टिवली L1 V1 एंड L2 V2, ठीक है फ्रेंड, सेम चीज़ है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी माइनस हो जाएगी, अगर इसकी वेलोसिटी V1 है, इसकी वेलोसिटी V2 है, तो टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर व्हेन दे आर परसुइंग इन अ सेम डायरेक्शन देन द L1 प्लस L2 में तो किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ V1 माइनस V2 हो जाएगी क्योंकि फ्रेंड्स ये सेम डायरेक्शन में चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस पे बेस्ड आप सभी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। आप किसी भी क्वेश्चन को उठा के देखिए, आप गारंटीड इसे बना पाएंगे, ठीक है। चलिए तो एक दूसरी ट्रिक हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आप अभी जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ अगर आपको ध्यान रहता है तो इट्स ओके, नहीं तो सारी की सारी क्वेश्चन आप इस वाले ट्रिक को बेस्ड लेके दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वैसे अगर ध्यान रह गई तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए लेट से एक मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन में दिया रहे लेंथ ऑफ ट्रेन L1, ठीक है, और लेंथ ऑफ ट्रेन L2 है, दो ट्रेन है, लेंथ L1। अब क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि दे क्रॉस ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन इन T1 सेकेंड, ठीक है, एंड दे क्रॉस ईच अदर इन सेम डायरेक्शन इन T2 सेकेंड। तो क्वेश्चन में दोस्तों पूछता है कि मतलब ऐसे ही पूछता है दोस्तों कि एकदम इसी लैंग्वेज में पूछेगा कि बताइए कि टाइम स्पीड
ऑफ फास्टर ट्रेन एंड स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन, है ना दोस्तों। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, याद रखना है क्या कि L1 + L2/2, L1 + L2/2 × 1/T1 + 1/T2 इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, L1 + L2/2 × 1/T1 - 1/T2। दोस्तों अगर ये आपको याद रहेगी तो आप तुरंत से तुरंत आप ऑप्शन को टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं। स्पीड ऑफ अ फास्टर ट्रेन तो प्लस यूज करेंगे, यहाँ माइनस यूज करेंगे, है ना फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान, यहाँ पे क्या दोस्तों यूज करेंगे प्लस, क्योंकि फास्ट की बात की गई है, यहाँ स्लो की बात की गई है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस यूज करेंगे। तो आप जल्द से जल्द इस क्वेश्चन की आंसर दे पाएंगे अगर आपके सामने कभी ये क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन यहीं से डिराइव की गई है, इस इक्वेशन को कहीं से ये आया नहीं है, बस याद रखने की, चूंकि ये कभी एक दो बार पूछा था तो मैंने सोचा कि इसे शॉर्टेस्ट वे में लिख दिया जाए, ताकि अगर कभी क्वेश्चन आया तो आप लोग इजीली इसे टिक कर सके दोस्तों, ठीक है। तो ये थी आपकी ट्रेन से रिलेटेड सारी कॉन्सेप्ट, सारी ट्रिक्स। ट्रिक्स तो दोस्तों एक ही थी, इसे मैंने काफ़ी तोड़ तोड़ के डिवाइड कर कर के 4 से 5 स्टेप्स में आपको बताने की कोशिश की है। तो ये सब आपकी जो है सो दोस्तों सारी की सारी ये जो कॉन्सेप्ट्स थी ये बेसिक्स की थी, और ट्रिक्स बेस्ड भी मैंने इसमें आपको बताई है। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में दोस्तों ट्रेंस से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को करेंगे जो पूछा गया है, और ट्रेन से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस में बनाया है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप कभी भूले भटके अगर डायरेक्ट ये वीडियो देखने आ गए हैं तो आप पिछले वीडियो को देखें और सारी की सारी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है सो ट्रेंस पे बनने वाली है, ट्रेंस के प्रॉब्लम्स पे बनने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और उन्हें एग्ज़ाम में की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में उनकी हेल्प करें। थैंक यू फ्रेंड्स।